प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 26 मार्च दिन रविवार को शाम 4 बजे माता बगलामुखी के आशीर्वाद से विशाल झंडा यात्रा का आयोजन फूटाताल मैदान से आरंभ किया गया है, जो कि खटीक मोहल्ला, सराफ, कमनिया गेट, फुहारा, लॉर्डगंज सुपरमार्केट होते हुए शिविक सेंटर में माता बगलामुखी मंदिर में ध्वजारोपण एवं भंडारे के साथ समापन देर रात तक चला। झंडा यात्रा में वीरेंद्र घनगोरिया, अनिल सोनी, पंकज पांडे, मनीष शराफ, कुंजीत जौहरी, सुरेंद्र छिंद्रा, आदर्श सेन, नवल केशरवानी, हरी खटीक, प्रेम नारायण घनगोरिया, ज्ञान चंद्र सोनकर सहित हजारों की संख्या के माता के भक्तों की उपस्थिति रही। समापन में सभी जनों का आभार मानव घनगोरिया ने व्यक्त किया। सनातनी परंपरा एवं भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र नवरात्रि हिंदू नव वर्ष में ये मेरा दूसरा वर्ष है माता बगलामुखी को झंडा को अर्पित करते हुए, और सभी लोग के सहयोग से मुझे ये सब अवसर प्राप्त हुआ है माता रानी की सेवा करने का। जगत जननी माँ जगदम्बा बाबा महाकाल की कृपा हम लोग के ऊपर इसी प्रकार बनी रहे। माता रानी सभी को निरोगी रखे, सेहतमंद रखे, और यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं मेरी मनोकामना माता से यही है कि सभी की मनोकामना माता पूर्ण करे और हमारा शहर, हमारा प्रदेश और हमारा देश ऐसे ही उन्नति करे और सबके परिवार में सुख शांति बनी रहे, और हमारी ऐसे एकत्रित जो हम लोग हुए हैं सहयोग, मतलब एक साथ जो खड़े हैं, ऐसी सनातनी जो हम लोग में संगठित हैं वो हमेशा रहे आए। ये हमारी फूटाताल मैदान से उठ के बगलामुखी मंदिर आई और हमारे जन्मभूमि कर्मभूमि में ऐसे आयोजन, सनातनी धार्मिक आयोजन होते रहें, यही मेरी माता से कामना है। मैं मानव गंगोरिया आयोजक करता है झंडा यात्रा का, बहुत बहुत धन्यवाद। किनके सौजन्य में निकालेगी? मानव गंगोरिया के सौजन्य में ये फूटाताल मैदान से बगलामुखी मंदिर तक के लिए झंडा यात्रा निकाली। हम सबसे निवेदन कर रहे हैं कि सब लोग शामिल होकर, किन किन मार्गों से होकर गुजरेगी ये यात्रा? खटीक मोहल्ला, सराफा, कमान्या, फुहारा, लाडगंज और गंजीपुरा सुपरमार्केट होती हुई मालवी चौक, हाँ, नवरात्रि पंचमी में झंडा यात्रा हम लोग ने परंपरा शुरू की है पिछले साल से। अब लगातार निरंतर ये झंडा यात्रा चलती रहेगी। हमारे परिवार की ओर से हम सबसे आशा करते कि सब सम्मिलित हों और धर्म लाभ लें।